एक बाबा पर देश भर में चर्चा हो रही है। हर शख्स की जुबान पर बाबा का ही नाम है। टीवी सीरियल बिग बॉस से सुर्खियों में आए ये बाबा अनाप शनाप बोलने में माहिर हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसे सुनना कोई भी पसंद नहीं करता है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये बाबा पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। टीवी सीरियल बिग बॉस में बाबा ने जो हरकत की उसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। आज इंडिया न्यूज पर हमारे साथ ओम बाबा मौजूद रहेंगे। ओम बाबा कुछ ही देर बाद हमारे साथ यहां पर जुड़ने वाले हैं। इंडिया न्यूज की हमेशा मुहिम रही है कि ऐसा जब भी कोई विवाद होता है तो उसका सच हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज ओम बाबा से हमारा आमना सामना होने वाला है। बाबा से आमना सामना शुरू हो उससे पहले आपको बता दें मेरी दो सहयोगी मेरे साथ यहां स्टूडियो में जुड़ेंगी और साथ ही हमारे साथ धर्मगुरु भी होंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि ओम बाबा आखिर इतने बवाली क्यों हैं। पूरा शो स्क्रिप्टेड था, स्क्रिप्ट के मुताबिक काम हुआ, फिर ओम बाबा गुनहगार क्यों? बिग बॉस ने कहा बाबा ने जघन्य अपराध किया इसलिए जबरन बाहर निकाल दिए गए। बिग बॉस ने कहा बाबा ने जघन्य अपराध किया इसलिए जबरन बाहर निकाल दिए। बाबा बड़े खिलाड़ी निकले लेकिन इनके बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। नाम है विनोदानंद झा उर्फ स्वामी सदाचारी साईं बाबा ओम जी। बिग बॉस के घर में जाने से दो दिन पहले चोरी के एक केस में गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। इतना ही नहीं, अपने भाई की दुकान का ताला तोड़कर साइकिल चुराने का आरोप लगा है बाबा पर। बाबा पर डकैती और सेंधमारी के मामले दिल्ली पुलिस में दर्ज किए गए हैं। चलिए कुछ देर के लिए मान भी लें कि बाबा पर लगे सारे आरोप गलत साबित हो जाएं, लेकिन इन तस्वीरों को वो कैसे झुठलाएंगे? भगवा धारण करने वाले बाबा इतनी ओछी हरकत कैसे कर सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया न्यूज। रिपोर्ट के जरिए एक बहुत ही छोटी सी झलक हमने आपको दिखाने की कोशिश की। ओम जी महाराज जो अपने आप को कहते हैं, कथित तौर पर बाबा जो अपने आप को कहते हैं, ओम बाबा की सच्चाई क्या है वो अगले एक घंटे तक हम आपको इंडिया न्यूज पर बताने वाले हैं। हमारे साथ इस बातचीत में मेरी दो सहयोगी रचना और कविता भी जुड़ रही हैं और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में धर्मगुरु आचार्य एचएस रावत साहब भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आपने ये छोटी सी झलक देखी होगी बिग बॉस के घर में जो कुछ चल रहा था। आरोप बहुत लंबी एक फहरिस्त है जो कि ओम बाबा पर लगे हैं, लेकिन इस छोटे से वीडियो को देखकर क्या आप कहेंगे कि ये शख्स बाबा कहलाने के या धर्मगुरु कहलाने के या महाराज कहलाने के आचार्य कहलाने के लायक है? तान्या जी, ये पहले भी ये डिबेटें हुई और जब ये बिग बॉस में गए थे उससे पहले भी जो मारपीट का एपिसोड हुआ था उसमें भी हम थे। मैंने इनको बार बार एक ही चीज कही कि आप ये कपड़े ना पहने और ये माला ना डालें और ये स्वामी शब्द ना यूज करें। जिस प्रकार से आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप बोलते हैं कि मेरी सेना है, मैं क्रिमिनल हूं, मैं आतंकवादियों से लड़ता हूं। धर्मगुरु के चोले के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने कहा, वहां बिग बॉस में जाना कोई बुराई की बात नहीं है, जाना चाहिए था, लेकिन अपनी मर्यादा और जिस चोले में थे उसकी मर्यादा का पालन उनको जरूर करना चाहिए था। उनको सोचना चाहिए था कि मैं जिस रुद्राक्ष की माला पहन करके शिव जी के गले में होती है और मैं किस तरह की हरकतें कर रहा हूं वहां पर, उन हरकतों से बाहर आना चाहिए था। उससे ये समाज में मैसेज जाता है कि हमारे जैसे लोग जो माला डालते हैं या दूसरे जो साधु संत हैं वो माला डालते हैं या भगवे कपड़े पहनते हैं, लंबी दाढ़ी और बाल रखते हैं, वहां एक जरूर कलंक हुआ है कि ये हिंदू धर्म के ऊपर कलंक। आचार्य जी, ये तो लगातार कहा जा रहा है कि ये कलंक है, ये संत नहीं है, लेकिन अब इनकी खिलाफत के लिए आप लोग करेंगे क्या? क्या क्या 13 जनवरी को जो कहा जा रहा है कि संत परिषद की बैठक होनी है दिल्ली एनसीआर में, उस बैठक में बड़ा फैसला लिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि दरअसल ये बाबा नहीं है, ये तो है बहरूपिया? देखिए, इसका अधिकार जो है वो शंकराचार्य और हमारे जो अखाड़े पर्षद हैं उनको ये अधिकार है कि किसी को भी इस प्रकार से निष्कासित करना या उनकी कोई दंड की जो व्यवस्था होती है वही कर सकते हैं। हम लोग इस व्यवस्था में शामिल नहीं हैं, ना हमारे पास ये अधिकार है। शंकराचार्य जी जो चारों शंकराचार्य हैं, चारों पीठे के, और हमारे जो 13 अखाड़े हैं उनकी अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, वो अगर फैसला लेंगे तो निश्चित तौर पर एक्शन होता है कि कोई भी इस प्रकार का चोला पहन करके, भगवा चोला पहन करके और रुद्राक्ष माला पहन करके और इस भेष के अंदर हिंदू धर्म का अपमान करता है वो बहुत ही ज्यादा जघन्य पाप है और इसका घोर विरोध करता है। बिल्कुल, और यहाँ पर मैं ये साफ भी कर दूं, ओम बाबा अब से कुछ ही पलों बाद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे तमाम सवालों के, तीखे सवालों के जवाब देने के लिए खुद यहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन आचार्य जी, क्या इतना आसान है हमारे देश में कि कोई भी
व्यक्ति जिसके ऊपर टाडा के आर्म्स एक्ट के 7 केसेस चल रहे हो, चोरी के अलग केसेस चल रहे हो, बिग बॉस के घर में वो अश्लीलता कर रहा हो, वो ऐसे वस्त्र धारण करे और बाबा बन जाए और लोग उसे फॉलो करना शुरू कर दें, या फॉलो ना भी करें तो वो अपने आप को खुद तथाकथित बाबा बना ले, कितना आसान है। तान्या जी, सबसे बड़ी बात है वो बिग बॉस जो एपिसोड जो बनाते हैं या वो जो एक सीरियल है, जो एक नाटक है, वो है ही इस तरह का। जब वहां पर इस प्रकार के मर्डर करने वाले लोगों को ले सकते हैं, बंटी चोर को ले सकते हैं, सनी लियोन को ले सकते हैं, बात बिग बॉस की नहीं है। जो ज्यादा नाटक कर सकता है, जो व्यक्ति ढोंग और पाखंड वहां कर सकता है, ऐसा व्यक्ति तो वहां टीआरपी दे सकता है, इसलिए उनको लिया। कहा जाता है एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये तो स्वामी कहीं से भी नहीं दिखते, ना इनके आचार विचार में वो चीज नजर आती है, ना ये कर्म से अच्छे है, ना सोच से अच्छे है, हमने तो देख लिया है। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपकी बात के उनकी भाषा के अंदर एक सभ्यता होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। जिस प्रकार से वहां लड़कियों के साथ बदसलूकी हुई, जिस प्रकार से उन्होंने वहां भाषा का इस्तेमाल किया, बार बार हिंदू धर्म की मर्यादाएं तोड़ी, हमें तो उम्मीद ये थी कि शायद ये धर्मगुरु के तौर पर गए हैं और वहां जाकर के कुछ एक अच्छे मैसेज जाएंगे बिग बॉस के थ्रू कि हिंदू धर्म में कुछ अच्छी सभ्यताएं भी है, लेकिन वहां जाकर क्या स्वामियों पर सवाल उठ रहा है ना। एक स्वामी की इमेज अगर देश के सामने ऐसी आती है तो सवाल तो फिर आपकी पूरी बिरादरी पर उठता है, संत समाज पर उठ रहा है। जी बिल्कुल, संत समाज पर उठ रहा है। और मैंने तो हमेशा चैनलों के माध्यम से कहा है कि इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर इसी प्रकार से कहीं ना कहीं इस तरह का चीरहरण होता रहेगा। बिल्कुल आचार्य जी, यहाँ पर बात बिग बॉस की नहीं है, यहाँ पर बात एक शो की नहीं है जिसमें जो कुछ हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन उसके अलावा भी सवाल ये खड़े होता है कि क्या संत समाज को एकजुट नहीं होना चाहिए। और इस तरह की मैं आपसे ये सवाल लूंगी, लेकिन इस बीच ओम बाबा हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ भी चुके हैं। वो ओम बाबा जिनके खिलाफ एक लंबी फहरिस्त है आरोपों की, वो ओम बाबा जिनके बिग बॉस की तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, बिग बॉस में क्या कुछ हुआ उस पर भी उनसे सवाल पूछेंगे, और उसके अलावा उनकी निजी जिंदगी में भी बहुत से आरोप उन पर लगे हैं और बेहद गंभीर आरोप उन पर लगे हैं, उनसे हम उस पर बातचीत करेंगे। ओम बाबा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। ओम जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबको नया साल मुबारक हो। आप क्या बाबा का बर्ताव ऐसा होता है जैसे आपने बिग बॉस में कर दिखाया, आपको लगता है कि आपको बाबा कहलाना कहना भी चाहिए? मुझे बाबा कहलाने पे गर्व है, आप मुझे पूरा बोलने दीजिए। वहां पर बिग बॉस के घर में स्वामी ओम जी, बाबा ने कुछ नहीं किया, स्वामी ओम जी को किडनैप करके जान से मारने की धमकी दे करके ये सब कुछ करवाया गया, और शरीर माध्यम खलधर्म किडनैप करके क्या ये कह दिया कि लड़कियों के बारे में आप अश्लील कमेंट्स कीजिए, बातें कीजिए। ये मुझे सारे डायलॉग्स दिए गए थे, मुझे एक्टिंग करना था और मैंने एक्टिंग क्या एक्टिंग ओम जी, वहाँ कोई रियलिटी शो नहीं है। आप 2 साल के बच्चे थे बाबा की, आपको किडनैप कर दिया गया और आप चले गए? नहीं नहीं, आप अपने आप को स्वामी कहते हैं, आप अपने मैं स्वामी कहता नहीं, मैं हूँ। अगर आप हैं, अगर स्वामी में मुझे नजर नहीं आया जब आपने वहाँ पर बर्ताव किया, आप एक महिला से इस तरह की बात कर रहे हैं। समाज जो है हम लगातार मुद्दे उठाते हैं आदि आबादी के, हम ये कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, आप तो वहाँ महिलाओं से ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। आप सिर्फ सवाल मुझे बोलने भी तो दीजिए। ओम बाबा, एक सीधा सा सवाल मेरा आपसे है। हाँ। आप भगवा वस्त्र पहनते हैं। हाँ। आप रुद्राक्षी माला पहनते हैं। हाँ। आप स्वामी अपने आप को कहते हैं, आप कहते हैं मैं स्वामी हूँ। हाँ, लोग मुझे मानते हैं, मैं लोगों के लिए अच्छे काम करता हूँ। अभी ट्रैफिक जाम हर जगह, ठीक है। अगर आपको आज मैं एक स्क्रिप्ट पकड़ा दूं जिस स्क्रिप्ट में कहा जाए कि महिलाओं के साथ आप बदतमीजी करिए, एक स्क्रिप्ट पकड़ा दूं जिसमें मैं आपसे कहूं कि आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करिए, आप गाली गलौज करिए, तो आप कर लेंगे? एक एक्टर को कर लेंगे फिर आप? एक पल 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 सुन लीजिए, आप एक्टर हैं, मैं वहाँ पर एक्टिंग ही कर रहा था, आप सुन लीजिए मेरी बात। अभी मुझे एक मिनट, कोई रियलिटी शो नहीं वहाँ, सारा स्क्रिप्टेड है। देयर इज नो रियलिटी शो बाबा। 9 सीजन आपने देखे थे, आपको पता था वहाँ पर क्या होने वाला है? वहाँ पर लोग कभी एंट्री आए जाते हैं, रियलिटी शो के लिए बहुत कुछ होता है। आप मुझे बोलने भी तो दीजिए। अच्छा, रियलिटी शो के बाद ये बताइए ना कि मैं आपको आज एक स्क्रिप्ट पकड़ा दूं, आप कर लेंगे? बाबा होने के नाते आप कर लेंगे? था ही नहीं, आपकी नैतिकता आपको आप करने दे। बोलने तो दीजिए, बोलिए। वो रियलिटी शो नहीं है, सारा स्क्रिप्टेड है।
मुझे अभी बॉलीवुड हॉलीवुड पंजाबी हिंदी तेलुगु बंगाली भोजपुरी कई फिल्में मुझे मिल चुकी है जिसे मुझे एक्टिंग करनी है तो वही करना चाहते हैं। एक मिनट मैं एक्टिंग ही करिए ना बाबा क्यों बन गए। सुनिए मैं वो करना नहीं चाहता था लेकिन लोगों ने पता नहीं कैसे ये सब ऑफर कर दिया। अब उसमें मुझे जो रोल मिले हैं विलन का भी मिला है। किडनैप कैसे हुए आप? हाँ ये साइकिल चोरी आप कर रहे थे। नहीं, साइकिल चोरी ये सब करते करते बिग बॉस के घर पे कैसे पहुंच गए? एक मिनट, साइकिल चोरी मैंने कर रहा था। मेरा अपना ओमजी साइकिल स्टोर, मेरा अपना शो है, मेरा है। एक मिनट, कोर्ट के रिकॉर्ड में है वो सारी चीजें। मेरे नौकर ने चोरी की थी, सोनिया गांधी को मैंने घर घेरा था, उसको मारा था। उस देशद्रोही सोनिया गांधी ने केस बनवाया था। आप राजनीति में आना चाहते हैं? चोरी की बातें हम करेंगे, लेकिन मेरी त्रिदेवियों आप मेरी बात तो सुन लीजिए, पहले सुनने से आरोप। अच्छा, मेरे एक सीधे सवाल का जवाब, आपसे सवाल करें जवाब देने का सीधा सवाल है मेरा। मैं आज आपको एक स्क्रिप्ट पकड़ाती हूँ जिसमें महिलाओं के साथ अश्लीलता करने को अगर मैं आपको कहती हूँ, आपको अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने को कहती हूँ, गाली गलौज करने को कहती हूँ, लोगों के माओ के बारे में गंदी बातें करने को कहती हूँ, आप कर लेंगे? बाबा होने के नाते आपको करना चाहिए? बाबा होने के नाते नहीं, लेकिन जान की धमकी, प्लीज बोलने तो दीजिए। चलो, जान की धमकी दे करके किसी को एक्ट करने के लिए कहा जाएगा तो सलमान खान ने ही कहा कि 2 दिसंबर को कि स्वामी जी आप मेरे से भी बड़े एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन से भी बड़े एक्टर हैं, सलमान खान के मिलने वाला था 2 दिसंबर को, सलमान खान ने ये कहा था। बाबा, मेरा वर्ड नहीं है वो। बाबा, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, जरूर। आपको ऑस्कर मिलने वाला था, आपकी अभिनय की बहुत तारीफ हुई, आपको किडनैप करके ऑस्कर मिल सकता है? जवाब दीजिए। हाँ, जरूर। आपको ऑस्कर मिलने वाला था, आपकी अभिनय की बहुत तारीफ हुई, आपको किडनैप करके ऑस्कर मिल सकता है? नहीं बाबा, बाबा आपकी ये तैयारी थी ना? मेरी ये तैयारी नहीं थी, ये उनकी तैयारी थी। आपको मुझे अपने जान बचा के आना था आपके पास। आपको किडनैप करके वो सब कुछ करवाया गया, ठीक है? ये आप कह रहे हैं। हाँ, शुक्रवार को आपकी रिहाई हो गई, आप बाहर निकल गए। अब क्यों इतनी बेचैनी है फिर बिग बॉस के घर में जाने की? हाँ, अब ये दोबारा अभिनय करने की क्या बेचैनी है? देवियों, कह रहे हैं 15 दिन के मुझे आप सवाल मत कीजिए, मुझे जवाब भी देने दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, मुझे आप जवाब देने दीजिए। मैं वापस सिर्फ इसलिए जाना, मुझे जीतने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो विनर था, विनर हूँ, विनर मैं ही बनूंगा। सुन लीजिए, जान लगता नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। सुन लीजिए, बताइए। मैं इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि जो कुछ भी मैं यहाँ आरोप लगा रहा हूँ उसके सारे सबूत बिग बॉस के घर में मैंने छिपा रखे हैं, जो कैमरों से बचे हुए हैं। मैं एक मिनट, अब मुझे बोल, हाँ बहुत जगह बचे हैं वहाँ। अच्छा, मैंने सलमान को जहाँ जाके आप खाना खाते थे वो सुनिए, वो टॉयलेट भी बचा है, वो बाथरूम भी बचा है। सुनिए, वो टॉयलेट भी बचा है, वो बाथरूम भी बचा है, और वो जगह भी बचा है जहाँ पर सलमान को मैंने थप्पड़ मारा है, जिसको हम लोग वहाँ पर स्मोकिंग रूम और स्मोकिंग जोन कहते हैं। वहाँ क्या स्मोकिंग जोन दिखाई दे रहा है? स्मोकिंग जोन दिखाई देता है? बाहर तक दिखाई देता है, अंदर तक, अंदर वाले स्तर दिखाई देता है? स्मोकिंग जोन साफ दिखता है, वहाँ कैमरा लगा हुआ है। बाहर के ओम बाबा, अगर आपको जान से मारने की धमकी देकर, आपको स्क्रिप्ट देकर कहा गया आपको ये करना था, पुलिस के पास चले जाते, बताते कि आपको जान से मारने की धमकी, दोबारा वापस मरने के लिए जाना चाहते हैं? ये राम, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं किडनैप्ड हूँ, मैं वहाँ पर 450 अब जाइए पुलिस। मैं ऑलरेडी FIR करा चुका हूँ वहाँ पर 4 जनवरी को। एक मिनट, आपको वहाँ वापस जाना क्यों? आप मेरी बात ही नहीं सुन, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, किडनैप होने आप बार बार सबूत दे रहे हैं, कौन से सबूत? आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप मेरी बात को ध्यान से एक बार सुनिए। मैं इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि मैं सबूत व्यूअर्स ठीक है, कुछ तस्वीरें मेरे पास भी हैं, बात की ताकत नहीं मैं हत्या कर सकता। अच्छा ठीक है, कुछ तस्वीरें मेरे पास भी हैं, ओम बाबा कुछ तस्वीरें मेरे पास भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो तस्वीरें आप देखिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगी। तस्वीरें बिग बॉस के घर की हम देखते हैं, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं बिग बॉस के घर की, किडनैप करके स्क्रिप्ट लिखकर, स्क्रिप्ट आपको देकर आपसे ये सब काम वहाँ पर कराए जा रहे हैं। बिल्कुल, मुझे जब एक्टिंग करनी है तो मैं हंसूंगा भी, रोऊंगा भी, गाऊंगा भी, नाचूंगा भी, सब मुझे करना है ना बाबा। उस वक्त तो आपके ऊपर कैमरे थे, अब बाहर निकले, ये तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, उस वक्त तो आप एक्टिंग कर रहे थे, बाहर निकले, शर्म आ रही है आपको खुद को इस तरीके से देखकर? आपको ये नहीं लग रहा है? दुम्बी साफ है, दो मुंह वाला, आगे पीछे दोनों चलता है। आज देखिए क्या हुआ जब स्वामी जी ने मोना के साथ लगाई पूल में डुबकी। दुम्बी साफ है, दो मुंह वाला, आगे पीछे दोनों चलता है।
आज देखिए क्या हुआ जब स्वामी जी ने मोना के साथ लगाई पूल में डुबकी। ओम बाबा, ओम बाबा, क्या मैं रियल में हो गया? ओम बाबा, ये तस्वीरें आपने देखी, क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं, इसलिए बुराई नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं एक धमकी के अधीन मैं सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ। आप एक्टिंग कर रहे हैं? बाबा नहीं, ओम जी एक्टर है। आप एक्टर बनना चाहते हैं या बाबा हैं? ये साथ करिए पहले। मुझे एक्टर बना दिया गया, अब तो मैं एक्टर बन चुका हूँ। तो बाबा एक्टर बन गए ना? बन गया मैं, तो फिर फिल्में ले रहा हूँ। तो फिर रुद्राक्षी माला उतारी है ना? फिर आप एक मिनट, आप एक्टिंग बिजनेस कर रहे थे? ये कहीं नहीं लिखा है कि एक एक्टर रुद्राक्षी माला नहीं बन सकता। मेरे एक भक्त थे जो राज कपूर के बेटे थे, वो एक्टिंग में करते थे और वो शम्मी कपूर वो माला भी पहनते थे। इसका मतलब ये नहीं, अच्छा स्वामी जी, स्वामी जी, अब आप दोबारा अगर वहाँ जाते हो, हाँ, और सलमान खान को आप पीट चुके हो, बिल्कुल ठीक है, और सलमान खान वहाँ होस्ट कर रहे हैं, हाँ, तो वहाँ कैसे रह पाएंगे जिस व्यक्ति को आपने होस्ट को वहाँ पीटा, हाँ, और फिर वो अंदर कैसे लेंगे आपको? देखिए ये आप उनको पीट चुके हैं। एक मिनट रावत जी, जी वो इसलिए अंदर लेंगे क्योंकि अब टीआरपी जीरो हो गया है। उसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ, एक मिनट, उसका मैं प्रमाण दे रहा हूँ। अभी पिछले दो दिनों से वो अंदर का घर का कुछ नहीं दिखा पा रहे हैं। जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था वो सब दिखा रहे हैं, उनके पास में अब दिखाने के लिए कुछ बचा नहीं तो है। आप हिंदू धर्म का काम छोड़ देंगे? जो हिंदू धर्म का आप तो बीड़ा लेकर के सन्यासी बने और जिस हिंदू धर्म के नाम पे ओम जी ने 60 साल निकाले, क्या ओम जी हिंदू धर्म का चोला छोड़ करके अब एक्टर बनेंगे? अब आप बोलने मुझे बोलने दें, हाथों की विनती है। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है जी। ये राम राज्य की स्थापनार्थ ही सब कुछ हुआ है, उसका मैं रीजन और प्रमाण दे रहा हूं। मैं जब वहां पर बिग बॉस के घर में गया था और जब मुझे ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, तो मैं स्वयं, आप तो खैर ज्योतिषी भी हैं, तांत्रिक भी हैं। मैं तांत्रिक नहीं, तांत्रिक आप हैं। हाँ, तांत्रिक तो मैं हूं। लोग कहते हैं, देखिए देवियों, लोग कहते हैं कि क्या भगवान को आपने देखा है? दूसरे लोग कहते हैं मैंने नहीं देखा। मैं कहता हूं कि मैंने देखा है, मैं देखा ही नहीं हूं, मैं भगवान से बात करता हूं। मैं वहां पर जब बाथरूम के अंदर मैं रो रहा था और भगवान जगन्नाथ से मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि मुझे आप मार्गदर्शन दें, और मैंने उनका आवाहन किया, तो आवाहन मंत्र आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आवाहन किया, तो वहां पर जैसे रावत जी मेरे सामने बैठे हैं, भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए, उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं जब भगवान कृष्ण के रूप में लीला कर रहा था तो वो भी धर्म संस्थापनार्था ही था, आप इसको एक माध्यम समझिए, आप यहाँ पर लीला कीजिए, जो एक्टिंग करने के लिए कहा जा रहा है वो। एक मिनट स्वामी, अब पहले मैंने सुन ली, पहले पूरी बात आपके पास परमात्मा रावत जी, आप मेरे इतने अच्छे मित्र हैं, लॉजिकल बात बोले दीजिए, देविया बोले तो लॉजिकल बात में पूछूंगा। आपके पास तंत्र विद्या थी और आपको किडनैप किया और आपके कहने से भगवान का आह्वान हुआ, तो फिर आप उसको तोड़ क्यों नहीं पाए? एक हाँ बोलने देंगे तब ना, बोलो, बोलने दीजिए। आप खुद को भी परमेश्वर कह चुके हैं? ना 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 ना, आप कह चुके हैं परमेश्वर नहीं, मैं बाल्यावस्था में लोगों ने मुझे भगवान माना था। आपने कहा था मैं पैदा हुआ बोलने लगा, वो सारी सच है, उसके ऊपर फिल्म बन गया, होते ही बोलने लगे थे स्वामी, ऐसा मेरे गुरु जी कहते हैं, मुझे बचपन याद नहीं, लेकिन वो सारी चीजें मेरे ऊपर मुझे फिल्म बनने जा रही है ओम जी अंग्रेजी में, उसमें वो सारी चीजें ऑलरेडी आ रही है, आप लोग 3 साल के बाद उन फिल्मों को देखेंगे। ये तैयारी तैयारी, उसका इससे कोई लिंक नहीं था। प्लीज मैं प्रणाम करता हूँ, मुझे बोलने दे ना, आप एक्टर बन के आए, अब एक्टिंग कर रहे हैं या तब एक्टिंग कर रहे थे? नहीं, अभी मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तब एक्टिंग कर रहा था, मजबूरी में कर रहा था। अब आप हिंदू धर्म का काम करेंगे कि एक्टिंग करेंगे? नहीं, सीधी सी बात, एक मिनट, मैं दोनों करूंगा, आप सुन ले पूरी बात, नहीं दोनों नहीं, सीधी सी बात, आपके पास हॉलीवुड मुझे बोलने दीजिए प्लीज जी। वहां पर जब उन्होंने ये कहा कि जैसे कृष्ण के रूप में हमने कृष्ण लीला की थी, आप ये लीला कीजिए और यही से राम राज्य के स्थापना का मार्ग खुलेगा, और सचमुच वो खुल चुका है। आज की स्थिति ये है, सुन लीजिए, अंडे खा करके, नहीं अन्य बन्ने मैंने नहीं खाया, खा करके, आप बोलने तो दीजिए प्रभु। आज की स्थिति ये है कि मैं नोएडा के अंदर 6 बजे पहुंच चुका था,
लेकिन रास्ते में इतने जगह लोगों ने ट्रैफिक जाम किए हैं, नो डाउट, आपके लिए, मेरे लिए, आप ट्रैफिक पुलिस से पूछ लीजिए, जगह जगह लोग नाच रहे हैं। तो समाज को भी आपका स्वागत करना चाहिए था, वो 13 जनवरी को बैठक आपका बहिष्कार करेंगे। अब आप मेरी हाथ जो आपने मुझे बोलने दी, मेरी बात भी सुन लीजिए प्लीज। इंडिया न्यूज के स्टूडियो में ना देश के बड़े से बड़े एक्टर, बड़े किससे बड़े राजनेता, ट्रैफिक जाम किसी के लिए नहीं हुआ जितना आपके हो गया। लेकिन आपकी बात सुनूंगी, ठीक है, मैं आपकी बात एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा है। ओम जी, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ा है। ओम बाबा का कहना है कि पूरे नोएडा का ट्रैफिक जाम हो गया है क्योंकि वो यहाँ पर आ रहे हैं और उन्हें देखने के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकूंगी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमने आपको दिखाई जिसमें वो विवादों में रहने वाले ओम बाबा नजर आ रहे हैं और ओम बाबा क्या हरकत आप वहाँ पर कर रहे थे, खुद ही दर्शकों को आप। हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ। अभी इसमें आपने देखा कि मैं 1.5 लीटर पानी को फेंक रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये पेशाब है, लेकिन तो क्यों बोल रहे थे कि आप एक मिनट, ये मैंने आपको पहले कहा कि मुझे एक्टिंग कराया जाता है और कराया गया था, मुझे उस पानी को पेशाब करने के लिए बोला गया था। अब आप खुद ही सोचिए, इसमें जब आप पूरा देखेंगे तो मैं वो बॉल लेकर के मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, विद इन 3 सेकंड मैं वापस आ रहा हूँ। क्या 3 सेकंड में इस दुनिया का कोई भी आदमी 1.5 लीटर पेशाब कर सकता है? क्या कर सकता है तो बताइए। नंबर टू, जिस वाणी के ऊपर में ये पानी मैंने फेंका जो अभी मुझे लात मार रही है, इस वाणी का आप नेट पे देखिए, दुनिया भर के नंगे फोटो मिलेंगे। ये आप मुझे आप नेट पे देखिए और आप नहीं देखना चाहते और आप नहीं देखना चाहते आपको मैं दूंगा। सुनिए मेरी बात, नंगे फोटो मैं दूंगा आपको। ओम बाबा नेट पे है, ओम बाबा फेसबुक पे है, ये आप निकाल लीजिए। नहीं नहीं, ये बिग बॉस का घर नहीं है, ये नेशनल टेलीविजन पर इस वक्त आप हैं। कृपया करके शब्दों पर संयम बरतिए, किसी महिला के बारे में जब आप कुछ कहें तो सोच समझ कर बोलिएगा। भाषाई मर्यादा का आप ख्याल रखें, हमारी तरफ से आप नहीं गुजारिश। एक बात को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भगवान राम के पास में जब सूर्पनखा गई थी तो भगवान राम से ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम कोई नहीं हुआ, उन्होंने भी ये कहा था इसका नाक काट दो। ऐसे लोगों के साथ में वही व्यवहार किया जाता है और हम उसी राम राज्य की। आचार्य जी, इन्हें एक्टिंग में बोला गया, एक्टिंग करने के लिए बोला गया, स्क्रिप्ट दी गई और कहा गया कि लोगों के ऊपर पेशाब फेंकने का एक्टिंग करो, इन्होंने कर दी। कैसे समझते हैं आप इसे, क्या समझते हैं? मैं सिर्फ यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे स्वामी ओम जी कि आपको बोला कि आप पेशाब फेंक दीजिए, उस समय आपके अंदर क्या ये आपके अंदर ये स्वामी पने का जो एक कीड़ा था ये जागृत नहीं हुआ कि मैं एक हिंदू धर्म एक मिनट हेराम मत करिए, बार बार बातों का जवाब दीजिए। यहाँ पर जब आप पेशाब घर में गए, पेशाब लेकर के आए चाहे पानी लेकर के आए, और आप एक बिग बॉस के कहने पर एक लड़की के ऊपर पेशाब के रूप में पानी फेंकते हो, तो उस समय आपके अंदर एक हिंदू धर्म गुरु की एक जागृति नहीं हुई कि मैं क्या कर रहा हूँ, दुनिया क्या बोलेगी मेरे को? उस वक्त एक हिंदू धर्म गुरु नहीं था, उस वक्त सिर्फ एक एक्टर। क्या आपके दिमाग में वहाँ 3 महीने तो हिंदू धर्म गुरु के आप हम मंत्रों का जाप भी करते थे? आई और आई सुन लीजिए, आपने कहा एक आपको वहां प्रमाण भी दे रहा हूं कि फेंकने के बाद जब मुझे जेल में बंद किया तब मैं बाथरूम के अंदर के बाहर बंद करके मैं रोया हूं कि मेरे तो से निकाला क्यों, आपसे एक्टिंग भी करवाई और फिर आपको घर से भी निकाला। परमात्मा आपको मैं नहीं निकालने का मैं रीजन बता रहा हूं ना, मैं 2 जनवरी को यहां दिल्ली आया था, वो प्रधानमंत्री का घर घेरा था, वो आप फिर बात को पलट रहे हो, आप वही बात बताओ जब आपने पेशाब फेंका और उसके बाद इसी बात के ऊपर आपको बाहर निकाल दिया, क्यों आपने वही क्यों इस बात पे नहीं निकाला भाई साहब? बात पे निकाला, सुन तो लीजिए। वहाँ पे जब मैं 2 जनवरी को यहाँ आया था पटियाला हाउस में, यहाँ पर आपके IBN 7 वगैरह सबने वो न्यूज चलाया है, उस वक्त मैंने ये कहा था पटियाला हाउस में कि मुझे within 3 days ये लोग इसीलिए निकाल देंगे क्योंकि इनका जो रियल बिग बॉस है जो अमेरिका में रहता है गंजा, वो सुन लीजिए, उसको सोनिया गांधी ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ इस बात के लिए दिए हैं हवाला के जरिए ताकि मुझे निकाला जा सके और मैं लोकप्रिय ना हो सकूं, और ये बात यदि झूठ होता तो उसके ठीक 3 दिन 3rd दिन मुझे नहीं निकाला जाता। इन्होंने देखिए मैं नॉमिनेटेड, और इस हवाला ट्रांजैक्शन की जानकारी आपको खुद उन्होंने बिग बॉस के IBI ने दिया, और इतना ही नहीं आप एक मिनट आप ओम बाबा मुझे बोल ओम बाबा मैं सोनिया गांधी ने हवाला के जरिए पैसे दिए अरुण जेटली से भी मिला था, ठीक है मिनिस्टर है, ठीक है उन्होंने भी कहा था, ठीक है मैंने IBI ऑफिसर को मैंने विश्वास किया, ठीक है नेता में विश्वास नहीं किया। सोनिया गांधी ने हवाला के जरिए पैसे दिए आपको बिग बॉस के घर से निकालने के लिए, जितने भी वहाँ लड़के काम कर रहे थे वो लोग आपको गाली देते थे,
आपको मार पीटने के लिए नौबत आती थी, कितनी बार उनका भी उस समय क्या आपको ये नहीं लगता था कि मैं हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्वामी के तौर पर मेरा नाम लिया जा रहा है और बार बार आप कितनी बेइज्जती हो रही थी तो आप क्यों बर्दाश्त कर रहे थे? क्या इतनी सस्ती लोकप्रियता के लिए आपने धर्म को आपने धर्म को लगा दिया दांत के ऊपर? बिल्कुल नहीं, अपनी जान बचाने के लिए ताकि मैं बाहर आकर बात कर रहा हूँ। ये बात तो बहुत पहले की है, जान बचाने वाली समय तक हमने बात थी नहीं। आपने हिंदू धर्म की मर्यादा को क्यों चीरहरण किया? क्यों मर्यादा का मैंने कोई चीरहरण नहीं किया? क्यों गालियां खाई आपने इतनी वहाँ पर? इसीलिए वहाँ पर आपने क्यों एक हिंदू से ज्यादा दिया? मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, आप सन्यासी हैं, रेस्पेक्ट करता हूँ, आपने जीवन छोड़ा के लिए त्यागा, लेकिन वहाँ जाकर के आपने बोलने तो दीजिए। अरे मेरी भी तो सुनोगे, मैं क्या पूछना चाहता हूँ ये बात आप देखिए, कहते हैं कि समझदार के लिए सारा काफी होता है, आपने जितना कहा मेरे लिए समझने के लिए बहुत ठीक है, बताइए फिर आप। देखिए वहां पर मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 15 अक्टूबर से ही मुझे किडनैप करके रखा गया, यहाँ तक कि 15 अक्टूबर जिस दिन मैं गया था, मतलब मैं गया तो 7 अक्टूबर को ही, लेकिन 7 अक्टूबर को मुझे किडनैप कर लिया गया था होटल में। 15 अक्टूबर को जब मैं बिग बॉस के घर के वेनिटी में मैं गया था, उस वक्त ये जो गंजू है इनका बिग बॉस, आप ऐसे शब्द मत बोलिए। देखो आप फिर आप मैं ऐसे रहूंगा, यही कहूंगा जो देश की संस्कृति पर आपके सामने स्वामी लगा हुआ है, आप यहाँ ये देश संविधान और कानून से चलता है, आपको खिताब दिया गया था, आज जब बाहर आए आपने क्या कार्रवाई की है? आपने मामला दर्ज करवाया? आप कहीं से लॉजिक है ही नहीं, आप कह रहे हैं वहाँ किडनैप कर लिया, आप कह रहे हैं 15 दिन के अंदर वापस लो वरना फिनाले नहीं होने दूंगा, फिर क्या है? बाबा के किडनैपिंग की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, बाबा आपके किडनैपिंग की कुछ तस्वीरें मेरे पास देखेंगे। आई रिक्वेस्ट यू काइंडली अलाउ मी, आपके किडनैपिंग की कुछ तस्वीरें मेरे पास है, एक आपके किडनैपिंग की कुछ तस्वीरें मेरे पास है, वो देखिए। किडनैप हुआ हुआ जो शख्स होता है जिसे किडनैप कर जान की धमकी देकर स्क्रिप्ट देकर उससे एक्टिंग कराई जाती है, वो डरा धमका हुआ बिल्कुल नहीं नजर आता है, वो इस तरह की अश्लील हरकतें करता हुआ नजर आता है, आदमी डरा हुआ धमका हुआ, कोई अलग तरह की किडनैपिंग भी आ गया है, बनना वो एक्टिंग ही नहीं है, जहाँ हंसना है वहाँ इतना कर देंगे। ओम जी 60 साल के है ना, आप वहाँ जितने भी लोग थे सबसे बड़े थे, लेकिन बड़प्पन आपको छोड़ के ना और सबने दिखाया आपको झेलने के लिए, ये टीआरपी बनाने का बिग बॉस का एक टेक्निक था, और ये उनको पता था टीआरपी से मुझसे आचार्य जी सारे टीआरपी बिग बॉस की आपसे थी, लेकिन धर्म बेच करके ईमान बेच करके टीआरपी वही किया, धर्म बेचा नहीं 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 स्वामी जी, एक नया टीआरपी आपको मिली, अपने बैंक अकाउंट नंबर पैसा उन्होंने रोका आपका, आपकी गलती के कारण रोका हुआ, देखो ये कोई बिग बॉस का टीआरपी दी मुझे, बिग बॉस का पहला सीजन नहीं आचरण को बेच करके दी, रोका हमें आपसे गीला है, वो मुझे बोलने दीजिए, टीआरपी से बोलने दीजिए भाई, हमें अच्छा लगा आप मुझे बोलने दीजिए, आप बोलिए, आप तो बाती बेकार, मुझे एडवांस में 5 करोड़ दे रहे थे बिग बॉस, मैंने मना किया था, इस साल भी दे रहे थे और पिछले साल भी ऑफर किया था, मैंने तब भी मना किया, इस साल भी मना किया, और इस साल में सिर्फ इस लालच में गया क्योंकि बिग बॉस के सारे ऑफिसर्स आकर के दिल्ली में मिलकर मुझे उन्होंने ये कहा कि आप यदि हमारे बिग बॉस शो में जाएंगे तो पूरे दुनिया में आप राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे, आपके साथ में सिर्फ टॉप फिल्म एक्टर्स होंगे, जिसमें उन्होंने राम राज्य की स्थापना आपने कैसे की, राम राज्य की स्थापना आपने अश्लील क्या वो इसके सलमान किस तरह से आपकी बेइज्जती करना, सलमान खान ने आपकी कितनी बेइज्जती की, क्या आप वो स्क्रिप्टेड थी, वो भी स्क्रिप्टेड थी, स्क्रिप्टेड थी, आपने विरोध क्यों नहीं किया क्या? अरे जब आपको लगातार सलमान कह रहे हैं कि ओम तुम स्वामी लगाने लायक नहीं, आपका तो बॉम्बे में ऑफिस है प्रभु, जब सलमान को एक्टिंग का डायलॉग दिया जा रहा है उसके कान में बोला जा रहा है, मुझे रिटर्न में पहले सुबह में भेज दिया गया और दिखा हमको वहाँ पर पेश कर रहे हैं 8 बजे, पूरा दिन मुझे रटने का टाइम दिया गया है, ठीक है, तो जो सलमान को डायलॉग बोलना था सलमान ने बोला, तो मुझे बोलना था, तो मेरा बोला, अनुरोध है, फिर मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप ये भगवा कपड़े अब छोड़ दीजिए, जो आप रुद्राक्ष की माला पहनते हैं उसको भी कृपा करके उतार दीजिए और आप एक्टिंग ही कर लीजिए ना फिर, क्योंकि ये आपको शोभा नहीं देता, बहुत अच्छी बात, ये आपको शोभा नहीं देता। आदरणीय मेरी आदरणीय देवी जी, मैंने एक आपको उदाहरण दिया कि शम्मी कपूर ये रुद्राक्ष की माला पहनते थे और एक्टिंग भी करते थे, तो आप शम्मी कपूर से लेकिन वो ना अश्लील हरकतें करते थे, किसी से भी सुनिए, क्या वो अश्लील हरकतें करते थे, गाली गलौज करते थे,
हमने बिग बॉस आज के डेट में मैं सलमान खान से बड़ा एक्टर हूँ। अपने टैलेंट का इस्तेमाल करिए, का इस्तेमाल करिए, आप लोगों के सामने क्यों जा रहा हूँ ना फिल्मों में? आप फिल्मों में देखेंगे ना अभी? आपने अभी देखेंगे ना में? धन की दुकान आपने कहा मंत्रोच्चार से मैं विनर बना सकता हूँ, मैं नॉमिनेशन में सेव कर सकता हूँ। आपने मंत्रोच्चार से किडनैपिंग नहीं रोक दी, आप इतने बड़े बाबा हैं। आप मेरा एक पूजा पाठ करा दीजिए, ये मैंने कभी नहीं कहा। एक सब आपने आते ही ये कहा था, जो लोकपाल थी उसको ये कहा था मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, और सलमान खान को भी स्टार्टिंग में आपने कहा था कि मैं आपके लिए आपको सुपर स्टार बनाऊंगा। वर्ल्ड का स्टार्टिंग में कहा था आपने। रावत जी हम लोगों को वहाँ से ये तक लोपा और मैं साथ ही निकले थे, वहां से निकलने के बाद हमको बिग बॉस के घर में ले जाने से पहले एक जगह में रोक करके लाइट में हमको और लोपा को पूरा स्क्रिप्ट दिया गया था, मुझे क्या बोलना है, लोपा को क्या बोलना है। शायद आपने ब्रह्मांड सुंदरी फिर आपके लिए बदसूरत हो गई, ब्रह्मांड सुंदरी आपके लिए बदसूरत हो गई। जब वो मेकअप की दुकान उतारती थी तो वो बदसूरत से भी बदसूरत लगती थी, ब्रह्मांड सुंदरी लगती थी। गलत है ये, आप इस चैनल पर आपके साथ में तीन लड़कियां हैं, आपको इस तरह की भाषा ठीक नहीं लगती है। आप सभ्यता में बात करें, हम आपको टीआरपी दी, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आपने जो टीआरपी दी वो हिंदू धर्म को दाब लगा करके चीर रण करके दी, उससे हर हिंदू इस बात से खपा है। और सलमान खान ने जितनी आपकी बेइज्जती की एज ए हिंदू स्वामी, शायद वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। सलमान ने देखना छोड़ दिया, सलमान ने कोई बेइज्जती नहीं की, उसने भी एक्टिंग की, मैंने भी एक्टिंग की। अच्छा ओम बाबा, वो पीटने के कारण पूछे ना, बताइए ना ओम बाबा, अगर सब एक्टिंग हो रहे थे, आप शम्मी कपूर से बड़े एक्टर हैं, आप सलमान, एक मिनट सुनिए ना, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, आप शम्मी कपूर से बड़े एक्टर हैं, आप सलमान खान से बड़े एक्टर हैं, आपके पास हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी, गुजराती, हर तरह की फिल्मों की आ रही है ऑलरेडी, तो फिर आप अब एक्टिंग कीजिए ना, फिर आप क्यों बाबा का आपने मेरा शब्द नहीं ध्यान से सुना। मैंने भगवान सुनिए, मैंने भगवान जगन्नाथ को, ये भगवान जगन्नाथ ने जो मुझे आदेश दिया कि लीला के माध्यम से आप राम राज्य की स्थापना करेंगे, तो भगवान जगन्नाथ और आज के आज के डेट में 40 करोड़ मेरे फ्रेंड्स हैं जो किसी फिल्म में छोड़ दीजिए, वो बात छोड़ दीजिए, क्या भगवान जगन्नाथ ने आपको आदेश दिया कि आप एक्टिंग के नाम पर अश्लील भाषा का इस्तेमाल करें? उन्होंने कहा कि क्या दिया आपको भगवान ने आपका आदेश? उनको भी नहीं, वो रामराज जी वो ये तो कहेंगे छोटे करना है उसका डेली, वहाँ पर 450 लोग डेली प्लान बनाते हैं कौन सा डायलॉग किसको देना है, कौन सा किसको कराना है। शर्म ये कहते हुए कि भगवान जगन्नाथ ने आपको आदेश दिया है, इससे शर्म की कोई बात ही नहीं। मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ रामनाथ जी की स्थापना के लिए, लीला एक मार्ग है, लीला एक मार्ग है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, हालांकि मैं आप देशद्रोहियों के निशाने पर हूँ, दोबारा मेरे सिर में गोली लग चुकी है, मैं मरने से पहले राम राज्य की स्थापना सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में करके जगन्नाथ ने दिया था। बाबा रोहन ने थप्पड़ मारा, सरदार ने पट्टा लगाया, रोहन मेरा देवी जी, रोहन मेरा बेटा है, उसने एक्टिंग की है, लेकिन एक्टिंग जरूर से ज्यादा कर ले, मेरा ये कान, ये आप देखें बाया कान मेरा बाड़ा है। अंडा खाने की इजाजत आपको भगवान जगन्नाथ ने दी? अंडा मैंने नहीं खाया, मीट मैंने नहीं तो खाया। तो क्या नकली दिखा रहे थे वो नकली सब्जी? मनु को उसकी पूरी ट्रेनिंग दी गई थी, मनु सब्जी को अंडा, मीट और ये चिकन के रूप में बनाता था, साइज वो होता था, डिजाइन वो होता था, आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं। एक मिनट मैडम, यहाँ से जाने से पहले मेरे पड़े हैं में कभी कि कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान जगन्नाथ ने मुझे एक्टिंग करने के लिए कहा कि इससे तुम राम राज्य की स्थापना करोगे इस देश में, और वो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के आदेश पर वो अश्लीलता करता है, वो असभ्य भाषा का इस्तेमाल करता है, वो महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है, वो एक्टर करता है अपने जान बचाने के लिए। मैडम मेरे समझ में पड़े कि आपने मंत्रोच्चार किया और वो सेफ हो गई, आपके मंत्रोच्चार में इतनी ताकत है, आप सीक्रेट रूम से वापस आते हैं और सामने सामने झूठ बोल देते हैं, आपसे बड़ा तो कोई झूठा नहीं होगा। मैं झूठ नहीं बोलता, ये कोई बात है? एक मिनट मैं ये झूठ नहीं बोलता, उसमें सच्चाई है। छोटे कपड़ों में लड़की आती है तो आप क्या करते हैं? आप झूठ बिल्कुल नहीं बोलते, ठीक बात है, आप मिसालों को रोक देते हैं अपनी मंत्र शक्ति से। आप कहते हैं कि भूखे के आगे खाना है। एक मिनट
मैं मिसाइलों, एक मिनट, मैं मिसाइलों को रोकता हूँ, मैं स्काइलैब उपग्रह को रोकता हूँ, और ये मैं नहीं बोलता हूँ, रिकॉर्ड है अमेरिका अमेरिकन गवर्नमेंट के यहाँ। अभी चैनल टेलीकास्ट हो रहा है, अभी चैनल टेलीकास्ट हो रहा है, यहाँ दिखाओ ना थोड़ी सी तंत्र। मदारी नहीं है, ये जब दिखाया नहीं था। बाबा आप अभी तक सिर्फ बात बहादुर बने हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है दिखाने के लिए कि आपके पास भी लॉजिक है। और आप मेरे ऊपर में जो किताब लिखी गई है ना रोनाल्ड रेगन द्वारा, वो किताब पढ़िए, और उस किताब को लाखों की किताब नहीं है मेरे पास, आप कोई सबूत दीजिए ये बताने के लिए कि आप वाकई में आप पाखंडी बाबा नहीं है जिस तरह के आपके इल्जाम लगा। मैं मदारी नहीं हूँ जो डुगडी के बजा करके आपके डिमांड पर वो तमाशा दिखाना शुरू करेगा। मैं तांत्रिक हूँ, मदारी पर दिखाने के लिए नहीं होता। तो हम भी समझदार हैं, हम भी समझ रहे हैं ना क्या हो सकता है। स्वामी जी ये बात समझ में नहीं आती, बहुत अच्छा सवाल आचार्य जी ने पूछा, आप तांत्रिक है तो कैसे किडनैप होगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ठीक है बताइए। मुझे बिग बॉस के घर में जाने से पहले दिल्ली में बिग बॉस ने मेरे से वचन लिया था कि स्वामी जी आप तंत्र शक्ति का इस्तेमाल आप वहां पर हमारे बिग बॉस के कंपाउंड में भी नहीं करेंगे। तो फिर भगवान जगन्नाथ कैसे आ गए? भगवान जगन्नाथ तंत्र से ऊपर है, वो परमात्मा है। अच्छा। वो परमात्मा है, और परमात्मा कहीं भी आ सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो सबसे ऊपर है। ही इज ऑलमाइटी गॉड। ओम जी लड़के आप ऑर्डिनरी पर्सन, तो उससे छोटी तो तंत्र शक्तियां, फिर तो उनका इस्तेमाल आप कर ही सकते थे और आप किडनैप होने से बच सकते थे। मैंने भगवान जगन्नाथ का आह्वान का नहीं करूंगा ये वचन नहीं दिया था। हमारे यहाँ लिखा गया है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने अपने जान को जोखिम में डाल करके अपना वचन निभाया, ये हमारी संस्कृति है और वो मैंने किया। स्वामी जी पहले आप सलमान की बहुत तारीफ करते थे, बेहद तारीफ करी आपने, और बाद में सलमान को आपने पीटा। सुनिए, लेकिन ये कहीं फुटेज में नहीं है। आप फुटेज में इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर फुटेज में आप कहते नहीं भी है तो सलमान ने इनकार नहीं किया है। शास्त्र कहता है मौनम स्वीकार लक्षणम। सलमान को ये मेरे सारे बयान सभी चैनल वाले उसको ईमेल कर रहे हैं, सीडी भेज रहे हैं। सलमान से माफी क्यों मांगते थे आप? पूरे हफ्ते आप गलती करते थे, 20 बार आप सॉरी बोलते थे। हे देवी कृपा करो मेरी बात सुनो, सलमान से मैंने कभी नहीं माफी मांगी, मैंने नहीं माफी मांगी। वहाँ ओम जी एक्टर ने एक दूसरे एक्टर को एक डायलॉग दिया और उसने अपना डायलॉग दिया। फिनाले में जाने के लिए आप कर रहे हैं, फिनाले में जाने के लिए आप इनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? आप कुछ भी इस्तेमाल करेंगे फिनाले में, या फिर अपने समर्थकों को फिनाले में? सुन लीजिए, फिनाले में जाने के लिए मुझे ना तो सलमान की जरूरत है ना एक मिनट रावत जी बोल लो, नहीं ही मुझे बिग बॉस की जरूरत है। मेरे पास मैं तो सिर्फ एक लाख लोगों को लेकर जाना चाहता हूँ। तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? वेरी गुड नहीं, एक लाख का सहारा इसीलिए चाहिए क्योंकि मुझे जनजागृति करना है इस बॉस के खिलाफ। और वो तो अभी एक घंटे के शो में आपने बहुत कर ली। नहीं हुआ पूरा देश जागृत हो गया, पूरा वर्ल्ड जागृत हो चुका है। अमेरिका से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, हर जगह से मेरे पास टेलीफोन आ रहे हैं, हर जगह लोग देख रहे हैं और हर जगह से मुझे सब कह रहे हैं हम तन मन धन से आपके साथ में हैं। ओम बाबा, एक बात मैं बता दूं, 5 मिनट का बड़ा लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ में कई लाख लोग जाने के लिए तैयार आ रहे हैं अपने खर्चे से। बहुत करोड़ों लोग आपके साथ जाने को तैयार है, इस बात को मैं मान गई हूँ इस एक घंटे के शो के बाद। मेरे पास आखिरी 5 मिनट हैं, 2-3 लॉजिकल क्वेश्चंस के जवाब मैं आपसे इस आखिरी 5 मिनट में चाहती हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि अगर आपके पास एक्टिंग के इतने ऑफर्स हैं, आप शम्मी कपूर, सलमान खान, अमिताभ बच्चन सबसे बड़े एक्टर्स हैं, आपके नोएडा आने से पूरे नोएडा की सड़कें जाम हो जाती है आपके, मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना, सवाल तो सुनिए, मैं आपको पूरा वक्त दूंगी जवाब देने के लिए। तो अब आप क्यों ना इंडिया न्यूज पर यह ऐलान कर दे कि आज से मैं सिर्फ एक्टिंग करूंगा, क्योंकि जो आपने कपड़े पहने हैं, जो आप अपने आप को संत कहते हैं, स्वामी कहते हैं, महाराज कहते हैं, उसकी मर्यादा को तोड़ते हुए आप स्क्रिप्ट के लिए कुछ भी अगर कर सकते हैं तो वही करिए ना, दिक्कत क्या है? आप आज फैसला कर लीजिए कि मुझे एक्टिंग करनी है, मेरे पास बहुत ऑफर है, हॉलीवुड बॉलीवुड हर जगह के ऑफर है, आज ही ऐलान कर दीजिए। अब आप बोलने देंगे मुझे? बोलिए। भगवान श्री कृष्ण गेरुआ कपड़ा नहीं पहनते थे, आम वस्त्र पहनते थे, लीला करने के लिए थे वो भगवान। मैं जब एक्टिंग करूंगा, मैंने बिग बॉस के घर में भी मैंने फुल पैंट शर्ट पहने हैं, मैंने कोट पैंट पहने हैं, लेकिन वो स्वामी ओम एक संत ने नहीं पहना, एक एक्टर ने पहना है। मैं पहनूंगा, यही रहूंगा संत, क्योंकि मेरा लक्ष्य एक्टिंग करना नहीं है, मेरा लक्ष्य राम राज्य की स्थापना करना है, और उसको करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो सब कुछ मैं करूंगा।
अपना सर्वस्व में बर्बाद करके आया हूँ सिर्फ उस राम राज्य की स्थापना के लिए। लेकिन एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि 10 जनवरी 2017 को मंगलवार को 3 बजे मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, आप लोगों को मैं सबूत दूंगा। आप लोग आइए, गंदे नियत से क्या ये सब जो आपने किया, क्या बेटियों को आप गंदे नियत से घूरेंगे, ये भी कहा था बिग बॉस यहाँ बढ़ाने के लिए ना गंदी नियत से घूर बिग बॉस के घर में, बिग बॉस के घर में आपने स्क्रिप्ट में जो जो लिखा था वो आपने किया, फॉलो किया, आपने पूरी तरह से स्क्रिप्ट को फॉलो किया, उससे रामराज आएगा। रामराज अब आएगा, ये जो करोड़ों लोग मेरे साथ अभी जुड़ गए हैं ना, ये रामराज की स्थापना करने में मेरी मदद करेंगे। आपको पता है वो करोड़ों लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? एक मिनट मैं आपको बता दूं। क्या आप जानते हैं सच्चाई से वाकिफ है आप किसी दूसरी दुनिया तरह से? बहुत लगता अच्छी है कि आप किसी दूसरी दुनिया में बहुत अच्छी तरह से मैं वाकिफ हूँ। पिछले 4 तारीख के बाद से लेकर अब तक लोनावाला से लेकर के दिल्ली तक सड़कों पे लोग मेरे लिए नाच जरूर हैं, लेकिन कोई मुझे ये नहीं कह रहा कि स्वामी जी आपने गलत किया। सब नहीं बाबा अपनी आंखों को खोलिए, अपनी आंखों को खोलिए, मनोरंजन अच्छा लगता था। अपनी आंखों को खोलिए और दुनिया की सच्चाई से रूबरू होइए थोड़ा सा। आप जा रहे हैं, करोड़ों लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं जानने की कोशिश करिए। मामले की भीड़ देखिए आप, करोड़ों लोग आइए जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप ट्रैफिक पुलिस को मेरे साथ ट्रैफिक पुलिस से पूछिए। चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ, पूछिए, मैं देखना चाहती हूँ। आइए ना, मैं बिल्कुल देखना चाहती हूँ। रात का अंधेरे में भी ट्रैफिक जाम हो रहा है मेरे लिए। बहुत बहुत बड़ी बात है कि आपके लिए ट्रैफिक जाम हो रहा है। मैं उम्मीद करूंगी आप जाएं तो उसके बाद थोड़ा ट्रैफिक क्लियर हो तब मैं घर के लिए निकलूं। क्योंकि 1 घंटे के लिए बहुत एंटरटेनमेंट इन्होंने कर दिया। लेकिन अब ये जाते जाते ये तो साफ कर दे कि आज हमने बात किससे की है, ओम बाबा से हमने बात की है, ओम द एंटरटेनर से हमने बात की है, या ओम द एक्टर से हमने बात की है? डेफिनेटली राम राज्य के भविष्य में संस्थापना करने वाले संत स्वामी ओम जी महाराज से आपने बात की है, अभी किसी एक्टर से बात नहीं की है आपने। चलिए अब आखिरी सवाल, मान लो संत समाज आपके खिलाफ मेरा आखिरी सवाल, ये बोला था मान लो बहुत संक्षेप में, बस वक्त नहीं है, कि जो बड़े बड़े लोग आपके विरोध कर रहे हैं अगर वो कोई एक्शन लेता तो आप क्या करेंगे? चलिए बहुत संक्षेप में, एक मेरा एक्टर बने, आप सुन लीजिए ध्यान से, जल्दी बताइए। ये जो सो कॉल संत समाज है ना, इन्होंने हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ एक मिनट, राष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया। स्वामी ओम जी ने बहुत कुछ किया है जो सरकार के रिकॉर्ड में है और मेरे पास प्रमाण है, करके दिखाओ ना यार, तुम खाली गाँव बजाते हो, किसी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ है। ओम बाबा है, चार बीबियां मत रखो, ओम बाबा देखो ना यार, ओम बाबा हम तो करते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, मेरा आखिरी सवाल है, हाँ तो बातें मत करो। अरे मेरा आखिरी सवाल ओम बाबा आपसे ये है कि बिग बॉस के घर में वापस जाएंगे तंत्र का इस्तेमाल करके या किस तरह से जाएंगे? नहीं, मैं जन जागृति करके जाऊंगा, जबरदस्ती जाऊंगा और सलमान की हड्डियां तोड़ूंगा और बिग बॉस के घर में आग लगाऊंगा उन लड़के लड़कियों को। बिल्कुल, क्योंकि संतों को यही भाषा हमारे यहाँ, सुन लीजिए ये विद्वान बैठे, आपकी कमजोर बैठे, ये तो सामने आ रही है, लिखा है अवतारी नाम हत्या स्वर्गदा भवती, ओम बाबा शास्त्र कहता है हमारा, आपकी राजी रहते क्योंकि ओम बाबा का ध्यान नहीं है। एक मिनट मैं भी करूंगा ओम बाबा, ये बिग बॉस का घर भी नहीं है, ये आपका कोई घर नहीं है, ये एक नेशनल टेलीविजन है, देवियों का घर है, मुझे मालूम है, मैं आपका भक्त हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये कोई देवियों का घर। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद बिग बॉस के घर में ओम बाबा की जितनी असलियत आपने देखी होगी उससे बहुत ज्यादा असलियत आपको इस 1 घंटे में देखने को मिल गई होगी। सभी का शुक्रिया करना चाहूंगी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आचार्य जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है।